हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर केयर। गाइस, आज जो मैं लेकर आई हूँ टॉपिक वही है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वुमेंस ऐसी होती है जिनके पैरों में सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। क्या चीज़ें होती है जो कि नॉर्मल होती है, कुछ जब कंडीशंस होती हैं जब पैर सूजते हैं तो वो चीज़ें सामान्य होती है, और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है वो मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी। अगर आपको वैसा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें गाइज, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इस टॉपिक पे। तो देखिए क्या होता है कि ये एक सामान्य चीज़ होती है प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन आना, क्योंकि आपकी अगर अच्छा खासा आपने प्रेगनेंसी में वेट गेन किया है, कोई आपको दिक्कत नहीं थी, सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो आपका वेट गेन अच्छा से होगा और वो जो आपकी बॉडी का वेट है, आपके बेबी का वेट है, वो सारा का सारा नीचे दबाव पड़ती है, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से कई वुमेंस को ऐसा होता है कि रक्त संचालन बहुत धीमे धीमे होता है, जिसकी वजह से नीचे पैरों में सूजन वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। और ये कब होता है, तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आप देखोगे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, सातवें से नौवें महीने के बीच। कई बार नाइन मंथ में भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन आ रही है। कई बार आप देखोगे कि हाथों में भी सूजन है, फेस पे भी सूजन है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपके फेस पे सूजन है, हल्की फुल्की सी स्वेलिंग है, दैट्स नॉर्मल। हाथों में भी थोड़ी बहुत सूजन है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, इचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, जो नॉर्मल सूजन आती है उसमें आपको पेन नहीं होता है, सिर्फ आपके पैर सूजते हैं, लेकिन अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जहाँ पे आपको स्वेलिंग आई है, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको इचिंग हो रही है, रेडनेस बहुत ज़्यादा आ गई है पैरों में, जो पिंडलियाँ बोलते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा और लालिमा सी आ गई है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक थोड़ी सी गंभीर चीज़ हो सकती है, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो अगर आपको कोई भी दर्द नहीं है, सूजन आ रही है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन ना लें, ऐसा होता है। तो ये चीज़ का ज़रूर से आप ख्याल रखें। तो प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। कई वुमेंस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक उपाय ये भी है कि अगर आपको ज़्यादा पैरों में सूजन आ रहा है, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके आप थोड़ा टाइम तक अपने पैरों में उसमें डालकर रखें, ताकि आपको रिलैक्स फील होगा। आपको थोड़ा सा अगर आपके पैरों में थोड़ी बहुत दर्द भी होती है एड़ियों में, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है, तो आपको उससे भी निजात मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप कुछ ही ऐसी चीज़ करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चलना करते हो, ज़्यादा चलते हो, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बैठ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद अगर काफ़ी देर तक आप खड़े होकर खाना बना रहे हो, तो भी उसमें आपको 5 to 10 मिनट्स का आराम लेना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि वैसे क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली खड़े हो और आपकी फुल बॉडी का जितना भी ब्लड है, सर्कुलर सारे नीचे में दबाव पड़ते हुए जा रहा है, और आपको प्रॉब्लम बस वहीं से आना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही करना है, स्टार्टिंग से ये चीज़ कंटिन्यू करिए, ठीक है। एक जगह खड़े होके मत रहिए, जब भी आपको खड़े होना है, चलना है, थोड़ा थोड़ा आप बैठिए, थोड़ा खड़े होइए, इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। और कंटिन्यूसली नीचे पैर लटकाकर भी आप मत बैठिए, अगर आप बैठ रहे हो, अगर बेड पे बैठे हो, नीचे किसी चीज़ को सपोर्ट ले लीजिए, ताकि आप में आपके पैर ज़्यादा लटके हुए ना हो, उससे भी जो होता है आपके पैरों में सूजन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती है गाइस, जो कि आपको फुली इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें ना आप करो, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है। और प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है कि बहुत सारे हमें चेंजेस नज़र आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी होता है कि हम उन चीज़ों को अपनी तरफ से भी हम कोशिश करें कि हमें परेशानियाँ थोड़ी सी कम हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। और एक चीज़ और कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी ये अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।